अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो में सबको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सैमसंग के गैलेक्सी A30s का स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं और इसमें आप कैसे अपने फिंगर को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास फ़ोन है, आपको मैं दिखाऊँ, सैमसंग A30s का है। फ्रेंड्स, इसमें हम सिक्योरिटी कोड हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें फिंगरप्रिंट भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें फिंगरप्रिंट को सेव करके हम इसे फ़ोन को अनलॉक करेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर ही आप स्क्रीन के इनसाइड ही आप फिंगरप्रिंट फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इसके अंदर ही आप इसको फिंगर लगा के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह आप अपने फिंगर लॉक को सेट कर सकते हैं गैलेक्सी A30 में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में फ्रेंड्स जाके यहाँ से आपको मैं बताऊँ कि बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप फिंगरप्रिंट के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी पिन सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये कोड सेलेक्ट करता हूँ। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमें बता रहे हैं कि आप यहाँ से अपनी कोई भी फिंगर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट थंब को ही यहाँ पे सेट करने जा रहा हूँ। तो इस तरह आप इसमें ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जब तक ये लाइंस जो है जब तक ये फिल आउट नहीं होते, आप लोगों ने इसको प्रेस ही रखने, तभी फिंगर की पोजीशन को ही चेंज करने। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ओके फ्रेंड्स, मुख्तलिफ डायरेक्शन से आप अपने फिंगर को इसमें ऐड करें।